जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए गुरुवार व्रत के थाली की रेसिपी लेकर के आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पकौड़े वाली करी। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी का पाउडर, होम मेड गर्म मसाला का पाउडर। इसमें सारे मसाले मिक्स रहते हैं। जितना मैंने पहले भी आपको बताई होगी, जितनी भी मेरी रेसिपी है सब मैं होम मेड गर्म मसाला का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। और इसको मैंने सभी मसाले मिक्स करके बनाया है। धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और हरी मिर्च, क्योंकि हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे घोला हुआ दही, उससे जो पकौड़े होते हैं काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो इसमें हम घोले हुए दही को डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्राई करने जा रहे हैं तो बेकिंग सोडा इसमें डाल देते हैं। जस्ट पहले आपको बेकिंग सोडा डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चलिए अब पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े डाल देते हैं। यहाँ पे सभी पकौड़ों को हमने डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम इसको एक एक करके पलट लेते हैं। दोनों साइड क्रंची होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड से यहाँ पे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। इन सबों को हम निकाल लेते हैं। हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब कढ़ी के लिए हम घोल तैयार कर लेंगे। एक बार फिर से हम बेसन डालेंगे। दही को मैंने फेट करके रखा हुआ है, तो उसको इसमें डाल देंगे। दही यहाँ पे मैंने खट्टी इस्तेमाल की है। दही जो थी काफ़ी खट्टी थी। कढ़ी जो होता है सो खट्टा अगर रहता है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें फेटा हुआ दही और डालेंगे और बाकी का हम पानी डालेंगे, ताकि हमारी जो करी है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हो जाए। तो पहले इसके जो लम्स है उसे हमें ख़त्म करने हैं, ताकि करी हमारी काफ़ी बढ़िया बन करके हम तैयार हो जाए। अब मसाले में हम डाल रहे हैं हल्दी का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हल्दी का पाउडर हम डाल रहे हैं। बाद में अगर लगेगा कि इसमें और हल्दी का पाउडर डालने की ज़रूरत है तो हम और डाल देंगे। पानी ऐड करने के बाद एक चम्मच होम मेड गरम मसाला का पाउडर और कोई भी मसाले डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, उससे जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। और ये देखिए, बेसन में थोड़ा भी लम्स नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा और दही ऐड करेंगे और उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पानी को मैंने ऐड कर लिया, थोड़ा सा दही मैं डाल रही हूँ। और अब चलिए करी बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। करी बनाने के लिए हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल में हम डालेंगे तेज़पत्ता, साबुत जीरा। तो यहाँ पे जीरा और तेज़पत्ता हमारा पक चुका है, तो हमने जो घोल तैयार किया है उसको इसमें डाल देते हैं। तो घोल को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पे कुक होने देंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद हमारी जो करी है यहाँ पे गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे करी हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हम हींग डाल देते हैं, क्योंकि बेसन की वजह से जो है काफ़ी गैस होता है करी खाने से। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें हींग डालना ही चाहिए करी बनाते समय। करी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कुक हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब इसमें हम फ्राई किए हुए बड़ी को डाल देते हैं। और अब डालेंगे भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो एक चम्मच भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए बृहस्पतिवार स्पेशल करी हमारी बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब बना लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पर मैंने छेना ले लिया है। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। एक चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। ये जो पकौड़े हैं थोड़े से मीठे रहने चाहिए। होममेड गरम मसाला का पाउडर। अब डालेंगे थोड़े से किशमिश के दाने और सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसके बॉल्स है वो यहाँ पर हमारे बन करके तैयार हो पाएँ।
इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने जो गरम मसाला का पाउडर ऐड किया है तो उसमें मैंने हरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पे गरम मसाला वगैरह जो साबुत वाले होते हैं ना, सभी चीज़ों को मिला करके मैंने बनाया था, तैयार किया था। तो इसमें अलग से आपको कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा जो ये बॉल्स है उसको हम स्पाइसी बना रहे हैं, इसीलिए थोड़े से हमने मसाले यहाँ पे ऐड किए। और ये देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब चलिए इसके हम पकौड़े बना लेते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको आपको गोला कर लेना है या फिर हल्का सा चिपटा कर लीजिए, जैसा आपका मन है वैसा कीजिए। तो हल्का सा मैं प्रेस कर दे रही हूँ, हल्का सा प्रेस करके डालने से इसे फ्राई करने में आसानी होगी। सभी बॉल्स को हम इसी तरीके से डाल देंगे। सारे बॉल्स को यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके सभी बॉल्स को हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी इसको फ्राई होने देंगे। एक बार इन सभी बॉल्स को हम और पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद सभी बॉल्स को यहाँ पे हम निकाल लेंगे। सारे बॉल्स यहाँ पे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन सबों को हम निकाल रहे हैं। अब हम आज की नेक्स्ट रेसिपी बना रहे हैं जो कि है धनिया वाले आलू। तो कढ़ाई में सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया, साबुत जीरा ऐड करेंगे, एक लाल मिर्च को तोड़ करके डाल देंगे और अब इसमें आलू को मैंने ऐड कर दिया। तो आलू को आपको थोड़े से मोटे मोटे जो पीस है उसमें कट करने हैं, क्योंकि धनिया वाले जो आलू होते हैं सो मोटे मोटे साइज़ के ही काट करके डाले जाते हैं। वो देखने भी बढ़िया लगते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसको आपको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ढक ढक करके, ताकि ये कुक हो जाए, पक जाए। जब ये पकेंगे उसके बाद गैस के फ्लेम को हमें हाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था आलू हमारा कुक हो चुका है, तो अब हम कर लेते हैं गैस के फ्लेम को हाई। और हाई फ्लेम पे डालने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता है। तो धनिया वाले जो आलू होते हैं काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने। तो एक बार बना करके आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे आलू को फ्राई कर लिया और इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुका है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। अब इसमें हम डाल रहे हैं धनिया का पाउडर। तो अगर आप ऐसे ही आलू फ्राई करके खाते हैं तो उतनी टेस्टी नहीं लगती है जितनी कि अगर आप इसमें धनिया का पाउडर डाल करके और बनाते हैं और खाते हैं तो टेस्टी लगती है। तो धनिया के पाउडर को ज़्यादा देर आपको नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा बस भूनना है। और यहाँ पे हमारे जो आलू है पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। तो इसको आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं, ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है। तो चलिए बना लेते हैं अब आज की नेक्स्ट रेसिपी। आज की लास्ट रेसिपी है पूरी। तो यहाँ पे हमने पूरी को बेल लिया है, प्लेन पूरी हम बना रहे हैं। इसको ऑयल में डाल देंगे, अब इसको पलट लेंगे और ये देखिए पूरी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये थाली की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी इसको दूसरे साइड से हम फ्राई होने देते हैं, फिर इसको निकालेंगे। और ये देखिए पूरी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं।